नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की गारंटी देकर आई थी। वो इस सिलसिले में हम पूरा दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मेगा पीटीएम्स किए सरकारी स्कूल्स में, ताकि अध्यापक और बच्चे के पेरेंट्स, माता पिता के बीच की दूरी कम हो, आपस में तालमेल हो। बच्चा स्कूल में क्या परफॉर्म कर रहा है ये बच्चे के पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और बच्चा स्कूल के बाद क्या एक्टिविटी करता है ये अध्यापकों को पता होना चाहिए, जिसकी चारों तरफ बहुत तारीफ हुई, बहुत लोगों ने इसको सराहा। उसके बाद हम स्कूल ऑफ एमिनेंस लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चे का जो माइंड है वो किस तरफ जा रहा है, बच्चे की रुचि क्या है, उसकी दिलचस्पी किस क्षेत्र में है, उसको उसी क्षेत्र की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अपनी मनपसंद का जो है चुनाव कर सके अपने करियर का। और जैसे कि कहते हैं कि अध्यापक जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, इसीलिए उनको नेशन बिल्डर कहा जाता है, कौम के निर्माता कहा जाता है। जब दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और हमारी टीम पंजाब में इलेक्शन कंपेन कर रहे थे, तब हम पंजाब के लोगों के साथ एक वादा भी कर रहे थे कि हम सरकारी अध्यापकों को, हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को विदेशों में ले जाकर पढ़ाई के नए नए तरीके सिखाकर ट्रेनिंग दिलवा कर लाएंगे, ताकि वो यहाँ आकर अपने पंजाब के बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएं और बच्चों का जो भविष्य है वो सुनहरा बनाएं। और इसी सिलसिले में हमारा पहला बैच 36 प्रिंसिपल्स का सिंगापुर जा रहा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 4 फरवरी को 36 प्रिंसिपल जो हैं सरकारी स्कूलों के, वो 4 फरवरी को यहाँ से जाएंगे, और 6 से लेकर 10 फरवरी तक उनका प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग सेमिनार होगा। 11 फरवरी को वो पंजाब वापस आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है उनका सिंगापुर का जो तजर्बा है वो नॉट ओनली उनके कुलीग्स के लिए बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश में शिक्षा में क्रांति लाने का सपना जो सजोया है, उस सपने को भी साकार करने में मदद मिलेगी, और पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल और नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लेगा।